बैक टू माई न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और ये देखो सर जी हमारे हो रहे हैं रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं रुद्रांश के स्कूल, आज है उसका पीटीएम। स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। कैसे शर्ट पहना है, बैक करो, कॉलर ऊपर है, उल्टी पहन ली शर्ट, ये निकालो यहाँ से। हेलो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने पीटीएम पे, पापा ले चल रहे हमको। क्या होता है पीटीएम? पैसे निकाल। एटीएम नहीं जा रहे, आज हम आपके स्कूल जा रहे हो और जितनी भी आप मस्ती करते हो ना स्कूल में, मैम आज बताएंगे, सारी कंप्लेन मिलेंगी आज आपकी। कैसे टैक्सी पकड़नी पड़ेगी हमको। हम पहुंच गए रुद्रांश के स्कूल, चलो निकलो निकलो। पहन ले सब, वो सिर्फ नाम लिखा है। कैंडल से क्या जाता है? सामान लेना था ना, वो लाइट वगैरह का, पैदल जाना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं घर। ये है बीटरूट का हलवा, पूरा रेड रेड हो गया है। रात के बज रहे हैं 1, मैं जाग रही हूँ, ये जाग रहे हैं, रुद्रांश ऐसा सो गया है। हम कर रहे हैं अमन के आने का वेट, क्योंकि वो आ रहा है आज जलंधर से, जाएगा राखी पे घर, तो वो आज आ रहा है। इनको नींद आ रही है, बट ये अपने साले का इंतजार कर रहे हैं। नींद क्या, सो चुका था जब की ले चुका हूं। रात होते से ही इंसानों की आवाज कम हो जाती है एंड जानवरों की आवाज आने लग जाती है, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, मऊ मऊ मऊ, उसकी आवाज आ, उनकी आवाज आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद अमन आ गया है। डोर ओपन करते हैं, के बजने बिल्कुल राइट 1 बज गया है। वेलकम वेलकम होम। थक गया बाइक पे बैठ के आया अमन, आया है बाइक से। इसकी हालत देखना, ऐसा लग रहा जैसे मजदूरी करके आया हो। अमन अभी गया है बाथरूम में हाथ मुंह धोने के लिए, अभी मैं उसके लिए खाना गरम कर देती हूँ। चने की सब्जी एंड इसमें है छोले, इसमें चने एंड इसमें छोले। भूख बहुत जोर से लगी? नहीं, जोर से लगी। गुड मॉर्निंग। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है एकदम सुबह सुबह से। सो ये देखो कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है। खाली है आदि, कोई नहीं, अच्छे से बोल रहे हैं। हम अमन आया हुआ है, रात में आ गया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मेरा प्लान हो रहा है कि अमन के साथ मैं रक्षाबंधन पे घर चली जाऊँ, सो उसी के लिए मैं राखी वगैरह एंड थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग है ना वो करके आऊँ। हमको बता दो, देखो बताओ। हम लोग जा रहे हैं मार्केट राखी की शॉपिंग करने के लिए। ये देखो मुझे पीछे सीट बेल्ट बांध रहा है, इसीलिए आप सेफ्टी से बच जाओ। और आप, आपकी सेफ्टी? मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। अच्छा, मुझे सीट बेल्ट बांधनी है और अपनी सेफ्टी को ध्यान रखें। देखो मैंने पकड़ा है ना, ये ट्रैम्पर तो इधर लगवा सकते थे, वो पीछे खड़ा है क्या? नहीं खड़ा, तो मैं निकल जाऊंगा। हाँ निकलो, साइड हो। बाहर से कीचड़ कीचड़ हो रखा है क्या? ट्रेन नहीं लेनी है? सब मन किया ऑटो सेक्शन में चले आते हो, आ जाओ। सरोदांश के लिए हम खरीदने आए हैं कपड़े, ज्यादा लॉन्ग हो रही ना, ये अमन को आ जाएगी। जब भी पढ़ाई करूंगा, लेकिन अभी आपने नहीं करी है। हाँ ये बेस्ट है। हाँ अमन ले, तेरी शॉपिंग हो गई, चड्ढा प्लस कैब। अरे पापा को दे दो, आप नहीं उतार पाओगे। सो गाइस, शॉपिंग करने के बाद ये तीनों निकल गए हैं घर के लिए, और अभी मैं जा रही हूँ सैलून में, क्योंकि मुझे करवाना है अपना हेयर कट। और गाइस, ये जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे ब्लॉग लेट आ रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ कि ना कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग की एडिटिंग नहीं कर पाई। और आप लोग बोल रहे थे दीदी घर गए हो, इस बार आपने घर के ब्लॉग नहीं बनाए, तो मैंने घर के ब्लॉग बनाए हैं, मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर आगे शेयर भी करूँगी और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। और अभी ये देखिए मेरा हेयर कट हो गया है, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन। मैंने हेयर कट करवा लिया है एंड ये दोनों
निकल गए हैं दोनों, क्या तीनों ही निकल गए वो गाड़ी से, घर निकल गए शॉपिंग करने के बाद। और मैंने अभी हेयर कट करवा के अब मैं जा रही हूँ घर, पैदल ही घर जाऊंगी मैं। ये हो गया है और बाकी की ये है, ये सारी। हाँ इस बार ना मैंने बहुत सारी राखियाँ खरीदी क्योंकि इस बार मैं जा रही हूँ मायके, तो सारे भाइयों को मुझे राखी बांधने को मिलेगी। और यहाँ पे ना इनका फ़ोन आ गया था कि मेरा ना कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा, तो सोचा डोसा पैक करवा के लेके जाती हूँ। सो ये देखिए गर्मा गर्म डोसा बन रहा है और यहाँ पर मैं सबके लिए डोसा बनवा के लेके जाऊँगी। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर। इसमें इनकी फरमाइश आई थी मुझे डोसा लेके आना, और ये है राखी। ले जा ये पार्सल को, ले जा ले जा, देखना नीचे से बॉक्स रहा पड़ जाए। ये देखो पार्सल के अंदर कौन है, और सामान पूरा यहाँ फैला दिया इसने। अब भी लगती सर में। So, हमारे घर के मेंबर मेन मेंबर्स हो गए हैं। ये देखो उदम करके मुंह फोड़ लिया है, गिर गया है सोफे से। सो मस्ती कर रहा था, सोफे से गिर गया है, मतलब यहाँ पे उसको चोट आ गई है, ब्लड भी निकला है। यहाँ पे बैग रखा है, कपड़े मैंने सारे निकाल के सोफे पे रख दिए हैं उदांश के, एंड मैंने मेरे बैग निकाले थे, इसके बाद बैग में लगाऊंगी। और ऑलमोस्ट सबकी तैयारी हो गई है सोने की, खाना वगैरह हो गया, अब बैग पैक कर लेती हूँ उसके बाद सोएंगे। और हमारी जो ट्रेन है ना वो सुबह है, हमारी 7 बजे की ट्रेन है। सो सुबह सुबह हम लोगों को जल्दी 6 बजे घर से ही निकलना पड़ेगा। मैं पैकिंग अभी करके सोऊंगी एंड फिर सुबह खाना वगैरह बना के और फिर निकलेंगे। एंड मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, एकदम न्यू हेयर स्टाइल जैसी लग रही है। सो बैग मैंने उठा लिया है। शादी के बाद जब मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन पड़ा था ना तब मैं मायके गई थी, और 7 साल बाद मैं फिर रक्षाबंधन पे मायके जाऊंगी क्योंकि कभी जाना ही नहीं हो पाता है रक्षाबंधन के टाइम पे। सो अभी फाइनली वो तो अमन आया है तो अमन के साथ जा रही हूँ, एंड जब वो आएगा ना तो उसके साथ फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पे बैग पैक कर लेंगे, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इस बार मुझे सारे भाइयों को राखी बांधने को मिलेगी। मायके के ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए, एंड आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आते हैं वहाँ के ब्लॉग्स। बैग पैकिंग हो गई है मेरी, इस वीडियो का मैं यही पैक करती हूँ। और वीडियो आज को पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को।